हमारा जो इंडो पाक का कल्चर है ये हमारी बहू और बेटी के लिए कुछ हवालों से बड़ा मुश्किल है। यहाँ शादी होती है एक मोहतरमा की एक साहब से, लेकिन उस घर को एक काम वाली चाहिए होती है और हमारी बहू हमारी बेटी उस घर की काम वाली बन जाती है, वो सास की खिदमत करती रहती है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि रोशनी डाल दीजिए कि एक बहू की ड्यूटी शरई तौर पे जो अहकाम है वो क्या है, क्या वो सास को पाले संभाले ये उसकी जिम्मेदारी है उसकी मेहरबानी है, या कह लीजिए कि ये एक गले का तोक है जो गले में पड़ जाता है। मेरे ख्याल में शादी के बाद किसी इंसान की भी, मर्द हो या औरत, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी इमीडिएट फैमिली है। इमीडिएट सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंडेंट वालदेन हैं, चाहे वो खातून के हों या हस्बैंड के, दोनों का हक यकसा है। इसके साथ साथ एक अखलाकी जिम्मेदारी भी है, और वो अखलाकी जिम्मेदारी ये है कि जो घर में मौजूद बुज़ुर्ग हैं सास ससुर, उनकी खिदमत की जाए, क्योंकि हमारा जो मुआशरा है हमारी सोसाइटी है ये खड़ी है अखलाकी अकदार पर। जूं जूं हमारी अखलाकी अकदार कमज़ोर पड़ रही हैं मुआशरा गिर रहा है नीचे को। ठीक है सर, तो ये एक जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो घर में दो बुज़ुर्ग मौजूद हैं उनको बुज़ुर्ग कह लीजिए बजाय हस्बैंड के माँ बाप कहने के, तो वो जिम्मेदारी है कलेक्टिव सबकी। लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद इमीडिएट फैमिली है। लेकिन हमारे यहाँ बल्कि किसी भी माशरे में देखा ये गया है कि जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो प्रेसिडेंस ले जाती हैं ओवर रिलीजियस वैल्यूज़। सही, ज़बान से हम कुछ भी कहते रहें अगर अपनी सोसाइटी में आप रियलिस्टिकली देखेंगे तो हम कैदी हैं अपनी मुआशरती अकदार के। सही, ठीक है सर। तो हमारे मुआशरे में क्योंकि कॉन्सेप्ट है जॉइंट फैमिली सिस्टम का, तो उसमें ये जिम्मेदारियां इंसान को निभाना होती हैं। सर एक छोटा सा इसमें एक्सटेंशन में चाहूँगा कि एक बड़ा पुराना फ़लसफ़ा ये डिस्कस होता है कि सर रिलीजन के सामने अगर कल्चर खड़ा हो तो कल्चर डोमिनेंट हो जाता है, रिलीजन को साथ मिलना पड़ता है। क्या कल्चर इतनी ताकतवर चीज़ है कि जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं वो मोल्ड होते हैं और कल्चर के साथ मिलके चलते हैं? नहीं, इसमें एक और नया सवाल पैदा हो जाएगा कि जो आपने यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स कहे वो क्या है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स दरहकीकत बेस्ड हैं कल्चरल वैल्यूज पे, वहीं से निकले हुए हैं वो। तो वो तो दर हकीकत दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। हाँ, रिलीजियस वैल्यूज़ एक और एंटिटी रखती हैं इंडिपेंडेंट, और जो कि ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। तो वो रिलीजियस वैल्यूज़ हमारी एक तरफ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हमारी एक तरफ हैं। वो जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ की बात आप कर रहे हैं वो कल्चरल वैल्यू ही से निकली हुई हैं, तो दोनों वर्चुअली एक चीज़ है। ठीक सर, तीसरी चीज़ है मॉरल वैल्यूज़ हैं। अब मॉरल वैल्यूज़ एक ऐसी है यूनिवर्सल ट्रूथ कहिए उसे, कि दुनिया का कोई रिलीजन चाहे वो डिवाइन रिलीजन हो
या मैन मेड रिलीजन उन मॉरल वैल्यूज से इनकार नहीं करता। आप एक डाकू से पूछ लीजिए, वो ये नहीं कह पाएगा कि सच बोलना बुरी बात है। देख सो खुद झूठ बोलेगा, लेकिन कहेगा ये कि सच बोलो। ठीक है, ये मॉरल वैल्यूज की एक स्ट्रेंथ है अपनी। ठीक है सर। तो हम इनको तीन हिस्सों में तकसीम कर पाएंगे, रिलीजियस वैल्यूज हैं, कल्चरल वैल्यूज हैं और मॉरल वैल्यूज हैं। इन सबको डोमिनेट कर जाती हैं कल्चरल वैल्यूज। ठीक होगा सर। आप अपने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी मुसलमान हैं, शादी ब्याह की रस्में देख लीजिए आप, मज़हब कुछ कहता है, रस्में कुछ और हैं। ठीक है सर। मौत की मुतालिक रस्म और रवाज जितने उनको देख लीजिए आप, तो डोमिनेट करेंगी आपकी कल्चर वैल्यूज।